नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टीचर्स भर्ती से रिलेटेड कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी एंड सर्च इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं सर्च इंजन के बारे में देखते हैं। ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा हम इंटरनेट पर जानकारियाँ ढूंढते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे सर्च इंजन के बारे में आप सुना होगा, गूगल है, याहू है, अल्टाविस्ट है ना, आर्ची है। देखते हैं गूगल कब आया था। 1 सितंबर 1998 को आया था। याहू कब आया था, अप्रैल 1994 पे। अल्टाविस्ट आया था जनवरी 1994 में। आर्ची आया था 1990 में। एंड वीलिव आया था 1992 में। एलीवेब आया था अक्टूबर 1993 में। एमएसएन डॉट कॉम आया था 1995 में। हार्टबोर्ड आया था मई 1996 में, है ना। देखते हैं साइरस कब आया था, 2013-14 में। वर्नोनिका आया था 1991 में। एक्साइट आया था फेबरी 1993 में ना। इन्फोसिक आया था जनवरी 1994। वेब क्लोरर आया था अप्रैल 1994 में। लाइकस आया था जुलाई 1994 में। लुक स्मार्ट आया था 1995 में। आस्क डॉट कॉम अप्रैल 1997 में। एंड लाइन सर्च सितंबर 2006 में। एंड बिंग आया था 1 जून 2009 में। तो ये सारे क्या है, अपने सर्च इंजिन हैं। आगे देखते हैं गूगल, गूगल के बारे में देख लेते हैं। गूगल एक सर्च इंजिन है। इंटरनेट की सहायता से सर्च इंजिन के द्वारा हम बहुत सारी जानकारियाँ क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वैलेट के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत सारे वो यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन पे है तो वो भी वॉलेट कहलाते हैं। लेकिन ये गूगल ने भी अपना एक गूगल वॉलेट लॉन्च किया है, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। गूगल के अन्य उत्पाद देख लेते हैं। गूगल सर्च जानते हैं, जैसे कि हम होम पेज पे जाते हैं गूगल के, तो गूगल सर्च वहाँ पे दिया रहता है ना। गूगल बुक्स देखें, गूगल बुक्स में बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए ना। गूगल प्ले, गूगल प्ले आप जानते हैं, टैब और मोबाइल में आपको ऐसे ही मिल जाता है। आप अगर स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे तो गूगल ट्रांसलेट ये भी बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में है ना। गूगल इमेज, गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल मैप, मैप की सहायता से हम अगर कहीं भी आते जाते हैं तो इसका यूज़ हम करते ही हैं, है ना। www.google.com या www.google.com.in टाइप कर हम गूगल के होम पेज पर जाते हैं। देखते हैं अल्टा विस्टा क्या है। यह भी गूगल की तरह सर्च इंजिन है। इसकी जो सेवा है वो याहू के द्वारा दी जाती है। कॉमवेल कंट्री वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, ठीक है। वेब ब्राउजर पर www.altavista.com टाइप कर इंटरनेट पर याहू का होम पेज आता है। देखते हैं जो वेब ब्राउजर है www.altavista, ये भी गूगल के ही तरह है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके माध्यम से किसी भी वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स सुने ही होंगे, है ना। एंड क्रोम तो सबके मोबाइल पे, क्योंकि ये गूगल प्रोडक्ट है, तो क्रोम आपने देखे ही होंगे। अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होता है वो, है ना। यूसी ब्राउज़र बहुत ज़्यादा फेमस ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र हर किसी के मोबाइल में मिल ही जाता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स, ओफेरा है ना, साइरस है। तो ये साइरस के बारे में बता दूं, साइरस एक सर्च इंजन है जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। एंड अगर आप, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिंग के बारे में देख लेते हैं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है।
सोशल साइट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सोशल साइट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है ना, सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट हेड क्वार्टर है यहाँ का। 2005 में चर्ड हार्ली, जावेद करीम एवं स्टीव चैन द्वारा ये दिया गया था। ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर 2006 में जैक डोर्सी द्वारा एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा दी गई। हेड क्वार्टर बी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट का ही है। 140 जो करेक्टर के संदेश इसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो 40 अक्षर के संदेश हम क्या कर सकते हैं, इसमें टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेसबुक। फेसबुक के बारे में कौन नहीं जानता। ये सोशल साइट, फेमस सोशल साइट है फेसबुक। मतलब छोटे से छोटे बच्चा भी मतलब कि इसको यूज़ करता है ना, फेसबुक को। 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग उनके चार अन्य साथियों द्वारा, एडुआर्डो सेवेरिन, एंड्रयू मैकुलम, जस्टिन किन ह्यू द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व में 130 करोड़ एक्टिव यूजर्स अभी फेसबुक में फेसबुक का है, और हेडक्वार्टर या इसका कैलिफोर्निया है। स्काइप ऐप देखते हैं। स्काइप ऐप का यूज़ प्रायः वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं, है ना। अन्य सोशल साइट के नाम देख लेते हैं। यदि इंटरनेट इंटरनेट का जन्म देख लेते हैं। इंटरनेट कब आया था, 1990 में आया था। टिम बर्नर्स-ली ने दिया इसको। याहू 1994 में, जेरी यांगो डेविड एंड रेडिफ मेल 1995, अजीत बालकृष्ण हॉटमेल 1996, समीर भाटिया एंड नौकरी डॉट कॉम 1997। नौकरी .com का आपने यूज़ देखा होगा। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। यह हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अपने सूचना है उसको क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गूगल सर्च 1998, लैरी लैरी पेज व सर्जरी बिन ने दिया है। एंड मेक माई ट्रिप से हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो उससे हम अपनी ट्रिप कहीं जाने के लिए हम बुक कर सकते हैं मेक माई ट्रिप से। ये 2000 में आया था। ओके एंड विकिपीडिया 2001 में, ऑर्कुट आया था 2004 में, इंस्टाग्राम 2005 में आया था ना, फ्लिपकार्ट 2007 में। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के बारे में कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगर कंप्यूटर इसका AG3 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। बैपम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। व्हाट्सएप 2009 में, तो व्हाट्सएप का यूज़ तो आप सभी करते हैं, तो व्हाट्सएप का यूज़ जानते हैं, जिसमें हम क्या PDF पिक्स वीडियो वगैरह सारे भेज सकते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए सोशल साइट के नाम। तो अगर दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।